हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल AAA ट्यूटोरियल में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमरल पे। ठीक है ना, चलिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आपने अभी तक पढ़ा हुआ है कि जो हिंदू अरेबिक जो न्यूमरल सिस्टम है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसी तरह एक रोमन न्यूमरल होता है तो उसका जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, मैं वन बाई वन आपको इसके जो नियम हैं, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के उस। नॉर्मली में हम लिखते हैं वन। ठीक है, अब इसको जो रोमन न्यूमरल में लिखते हैं वो लिखते हैं आई की शेप में। ठीक है, जस्ट दिस। ठीक है, हम बहुत से जो हैं, मैं आपको बता दूं, मिस्टेक करते हैं, वो फर्स्ट जो वन लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, वन सिर्फ इस प्रकार लिखना है। ठीक है, जो नेक्स्ट सिंबल है, तो ये जो आई है ये इंग्लिश का सिंबल है। ठीक है, तो वन को रिप्रेजेंट करता है आई। अब जो इसका नेक्स्ट जो लेटर है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका फाइव को, इस प्रकार से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नंबर होता है वो फाइव होता है, और फाइव को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल वी। तो इसमें वही ध्यान रखना कि वी को हम इस प्रकार से ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है, ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए। फिर जो नेक्स्ट नंबर आता है जिसमें ये आपका सिंबल चेंज होता है वो होता है टेन। टेन को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम करते हैं एक्स से। ठीक, सेम इसी में होगा, लाइन कहीं पे भी नहीं आएगी, ना अपर आएगी ना डाउन में आएगी। ओके, चलिए। टेन के बाद जो ये सिंबल चेंज होगा वो होता है 50 पर। ठीक है, चलिए मैं आगे लिख देता हूँ इसे यहाँ पे। ठीक है, जो 50 पे है, 50 का जो सिंबल है वो है आपका एल। ठीक जी, एल को 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल एल यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे बाद जो आता है वो आता है 100। ये मैं वो नंबर बता रहा हूँ जहाँ पे हमारा सिंबल चेंज हो रहा है। ठीक है, 100 को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं सी से। सी से आप इस प्रकार से भी याद रख लेना, सी से सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी जो होती है, सी फॉर सेंचुरी, तो सेंचुरी 100 के लिए यूज़ होता है, तो इससे आपको इजीली याद आ जाएगा, आप भूलोगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका 500। ठीक है, 500 के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो सी से नेक्स्ट जो कौन सा होता है, डी। हम डी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, चलिए। अब 500 के बाद जो चेंज होता है वो होता है 1000 पे। ठीक है, 1000 के लिए हम यूज़ करते हैं एम। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज रहते हैं कि सी डी एम में कौन सा है, जो सी के लिए तो फिर भी सही है, 500 और 1000 में वो कन्फ्यूज रहते हैं कि डी पे यूज आता है या एम यूज होता है। तो आप सिंपली समझिए कि भाई जो 500 पहले आ रहा है 1000 से, जो 500 है वो 1000 पहले आता है, और एम से पहले क्या आता है, डी। तो डी यूज हो रहा है 500 के लिए और एम यूज हो रहा है 1000 के लिए। अब इन द लास्ट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस मत करना। ठीक है, मैं आगे आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। 1000 तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से ये हम लिखते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जो बीच के नंबर हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने एक चीज़ देखी कि 1, ठीक है, और 10 एंड 100 एंड 1000। ठीक है, इसका वन का क्या था, आई था, 10 का एक्स था, 100 का आपका सी था, और 1000 के लिए क्या था, डी के बाद एम। ठीक है, ये था। ये ध्यान रखिए कि जब हम नंबर लिखते हैं तो कुछ जो सिंबल्स होते हैं उनको रिपीट कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चारों नंबर ऐसे हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चारों सिंबल हैं कैन बी रिपीटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो आपके फोर सिंबल हैं आई एक्स सी और एम, सिर्फ इन्हीं चारों को हम रिपीट करते हैं। अब रिपीट कितनी बार,
वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फिफ्थ टाइम, कोई इसका होता है? यस, थ्री टाइम्स तक, ठीक है, थ्री टाइम्स आपको, आप इसको रिपीट करते हो। अब अगर एक्स है तो एक्स को आप थ्री टाइम्स रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और जो बाकी वर्ड कौन से वाले, जो इससे पहले वाले थे, कौन कौन सा? एक तो एल, ठीक है, और देखिए कौन सा वाला, एक तो वी, आप इसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, वी को आप रिपीट नहीं कर सकते, और आप एल को रिपीट नहीं कर सकते, और डी को रिपीट नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? लेकिन आप इन बाकियों को कर सकते हो। तो कितने टाइम? थ्री टाइम्स। तो पहला रूल तो ये समझ में आ गया। अब इस रूल्स को यूज़ करते हुए हम करते हैं किस प्रकार से इसे लिखेंगे। देखो, मान लो मैन में लिखना है टू, तो आई को हम टू टाइम्स रिपीट कर देंगे। तो थ्री लिखना है, थ्री को हम थ्री टाइम्स रिपीट कर देंगे। बात समझ आ गई? अब इसी प्रकार से ट्वेंटी लिखना है, तो ट्वेंटी को हम डबल एक्स कर देंगे, और 30 को हम ट्रिपल एक्स कर देंगे। बात समझ में आई? इसी प्रकार से 200 को डबल सी कर देंगे, और 300 को ट्रिपल सी कर देंगे। इजी है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और आपका क्या रह गया? 2000। तो 2000 को हम अब कैसा याद रखेंगे? सी के बाद डी आता है, डी के बाद एम आता है, तो एम एम, और 3000 को ट्रिपल, ठीक जी, ये हो गया। अब देखो, टू हो गया, थ्री हो गया, व्हाट अबाउट फोर? फोर कैसे लिखेंगे? अब देखिए, मैंने आपको बताया था, इसमें मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। जैसे मैंने फाइव बताया था इसमें, कि फाइव जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं फाइव, ठीक है। अब हमें लिखना है फोर, ठीक है, ये इससे एक कम है, ठीक है, माइनस वन करेंगे तो क्या आता है? फोर है, तो आई में हम माइनस वन करेंगे, ठीक है, फाइव में माइनस आई हम करेंगे, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? आई को पहले लिख दो, आई को पहले लिख दो, मैं यहाँ नीचे कर देना हूँ उसको, ठीक है। जब वी को हम यहाँ लिखेंगे, फोर को यहाँ पे, तो वी से पहले वन जो का सिंबल है आई, उसको पहले लिख दीजिए। इसका मतलब वो पहले लिखा जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इन नोट, ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। जो बीच बीच में जो मैं आपको ये नोट लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यू कैन राइट बिफोर एनी सिंबल ओनली वन टाइम। आप एक बार ही उसको रिपीट कर सकते हो, मतलब एक बार ही ले सकते हो, दो बार नहीं ले सकते, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। तो ये मैंने जो V से पहले लिखा है आई, ये आप वन टाइम ही ले सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो वो था, वो कौन सा था? वो था 10। 10 का क्या था? X था, और 10 से पहले क्या आता है? माइनस वन करते हैं तो 9 आता है। 9 को कैसे लिखेंगे? ठीक है, 9 को लिखने के लिए X से पहले एक पहले लगा दो, तो ये हो गया आपका 9, ठीक है। 9th नहीं बोलेंगे, 9th लिखने के लिए अलग वो है, इसको 9 बोलेंगे, ठीक है। चलिए, मैं समझता हूँ कि अब आप काउंटिंग आराम से लिख लोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो यहाँ तक अब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 1 को लिखते हैं हम आई, 2 के लिए डबल आई रिपीट कर देंगे, 3 के लिए 3 बार रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पर आप 4 आई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आई जो होता है, हम कि आई के कोई सा भी सिंबल है, आप उसको सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो। इसके लिए जो मैंने बताया था 4 के लिए, जैसे ये आपका 5 का वी है, 10 के लिए एक्स है, तो 4 5 से पहले आता है, तो आप 4 से वी से पहले एक आई लगा देंगे, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब 6 के लिए वी से आगे आप एक सिंबल लगा दो आई का, तो 5 + 1 = 6। अब किसी के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, हैं, आप जो किसी भी सिंबल के बाद जो कोई और सिंबल रिपीट कर रहे हो, तो 3 टाइम्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट। यहाँ पे देखिए, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब एक बादल सिम बना के, क्लाउड में बना के ऐसे लिख देना कि यू कैन रिपीट एनी सिंबल आफ्टर एनी सिंबल
आफ्टर एनी सिंबल मैक्सिमम कितनी बार, 3 टाइम्स। देखिए वहीं आते हैं आयतन द्वारा, तो 7 लिखा लिखेंगे आप, बी के आगे दो बार आई लगा दीजिए और 8 के आगे 3 आई लगा दीजिए, 3 टाइम्स है ना। अब रह गया 9, तो 9 के लिए हमने क्या बताया था, जो 10 है उससे पहले आप 1 माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, 10 तो मैं समझता हूँ कि आप इजीली लिख पाओगे, कोई बड़े इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो 11 के लिए वही है जो आपका, तो मैं 11 लिख देता हूँ, जो आपका 10 है उसके आगे आप 1 लगा दोगे। ठीक है, तो 12, 13, 14, ठीक है, 15 बात आती है 15 की, 13 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लगा दोगे। 14 के लिए, 14 के लिए क्या आएगा, ठीक है, 14 के लिए x, ठीक है, एंड 4, 4 ये है, और 15 के लिए क्या कर दोगे, x एंड 5। ठीक है, बस 16, 17, 18, 19, अगर 90 करते हो आप तो 90 के लिए क्या करोगे, देखिए x और 9 क्या लिखते हैं इस प्रकार से, ये आपका कितना हो गया, 19 हो गया। और 20 के लिए क्या हो जाएगा, डबल x, आपको भी सर 90 में ज़्यादा आ रहे हैं सिंपल, और 10 20 में कम आ रहे हैं, एक आई का हो रहा है। तो बेटा इसमें कन्फ्यूज मत रहना, थोड़ा आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए 30 के लिए हमारा हो ही गया है ट्रिपल एक्स। ठीक है, 39 के लिए भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, ट्रिपल एक्स लिखने के बाद आप 9 बना दो, ये हो गया। अब आता है 40, 4 टाइम्स एक्स तो नहीं लिख सकते, तो वहाँ पर हम लेते हैं 50 का सहारा। हमको मालूम है देखो 50 है, 50 कितना होता है, एल होता है, तो अब आपको 40 लिखना है अगर, तो 40 के लिए आप रिप्रेजेंट करेंगे भाई एल, और माइनस में अगर मैं 10 करूँ तो 40 बनता है, और 40 के लिए तो मैं करूँगा एल में से मैं एक्स माइनस करूँगा, एक्स ये एक्स माइनस करता हूँ तो मैं एक्स पहले लिख दूंगा उसमें, ये हो गया आपका 40 के लिए, तो मैं लिख दूंगा एक्स एल, मतलब एक्स मैंने एल से पहले लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एल मीन्स 50 और एक्स मीन्स 10, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, इस प्रकार से। तो 40 के आगे जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जैसे आपको 45 करना है तो 40 लिखिए पहले, तो XL और उसके आगे आप 5 के लिए आप सिंबल यूज करिए, वही 1 से लेकर 9 तक जो आप सिंबल यूज करते हैं वही चलेगा। ठीक है, और अगर आपका 50 हो जाता तो आपका वो 50 पर आ ही जाएगा, तो 49 तक जो ये वाला सिंबल तो रहेगा रहेगा, है ना, और ये वाला 1 से लेकर 9 तक चेंज होते रहेंगे, 50 पर आपका ये चेंज हो जाएगा। अब बात आती है 60 की, भाई एल से आगे आप वही 9 तक यूज करेंगे 50 से, और 59 तक क्या करेंगे वही एल के साथ, एल के साथ आप 1 या 2 के लिए, मतलब मान लो 55 है, ठीक है 55 है, तो एल के साथ आप वी यूज़ कर लेंगे, सिंपल ये तो है ना। अब आता है 60, तो 60 के लिए भी बहुत सिंपल है, 60 में क्या करेंगे आप एल के साथ मैंने क्या बताया था एक्स आगे लगा देंगे। ठीक है जी, चलिए अब इसमें 60 हो गया है ना, 70 के लिए क्या करेंगे आप एल के आगे डबल एक्स लगा देंगे, 80 के लिए क्या करेंगे एल के आगे ट्रिपल एक्स लगा देंगे। ठीक है, और 89 के आगे क्या करेंगे आप वही एल आप यूज करेंगे, ठीक है ट्रिपल एक्स यूज करेंगे, और 9th का जो भी है आपका वो लिख देंगे, ये आपका 89 हो गया। लेकिन अगर बात करते हैं हम 90 की, तो यहाँ पर आप 4 टाइम्स एक्स नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए करेंगे जो आपका 100 होता है उसके लिए होता है सी है, और 100 में से माइनस 10 करेंगे तो क्या बनता है 90, और यहाँ से माइनस एक्स करेंगे तो आपका यहाँ एक्स पहले लगा दो और सी यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा 90 का रिप्रेजेंट। ठीक है, और इसके बाद आप 90 के आगे जो भी 91, 92, 93 हैं वो सिंबल जो भी नॉर्मली होते हैं आप उनको यूज़ करेंगे, तो बहुत ही इजी हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी 100 से ऊपर 200, चलिए 200 लेते हैं, 200 में आपका ये हो जाएगा डबल सी। ठीक है, और 300 में क्या हो जाएगा वो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है ट्रिपल सी हो जाएगा, और 400 के लिए क्या करेंगे बताइए, फोर्थ सी तो नहीं होगा, तो हमें बताया 500 के लिए हमें क्या है हमारे पास डी, और 100 किसके लिए होता है सी, तो डी से पहले हम सी लगा देंगे, तो ये हो गया 400, और 1 से लेकर 90 तक जो भी आपका है कंसेप्ट उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर 600 आता है तो डी के बाद सी आ जाएगा। ठीक है, 600 हो गया,
700 के लिए, डी के बाद डबल सी, 800 के लिए, डी के बाद ट्रिपल सी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ डी, कहीं आप डबल डी नहीं देख पा रहे होंगे कभी तक आपने, सिर्फ मैंने जो नंबर बताए थे वही रिपीट हो पाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें 1900 की, ठीक है, 900 की, तो क्या करेंगे हम करेंगे पहले देखेंगे 1000 के लिए क्या लिखते हैं। देखो 1000 के लिए लिखते हैं हम एम, ठीक है, और 100 के लिए लिखते हैं हम सी, माइनस करेंगे तो 900 आया, तो यहाँ पे जो माइनस करने के लिए क्या करते हैं हम पहले लिख देते हैं, तो सी एम, ये हो गया आपका 900। 1 से लेके 99 तक आप सेम वही लिखेंगे जो आपने अभी तक सीखा है, ठीक है बेटा। चलिए तो 1000 के लिए जैसे आप मैं कोई नंबर लिखूँ 999, ठीक है, तो सेम अब आप इसे सोचिए करके कैसे करेंगे, ठीक है। मैं देखो आपको एक करके दिखाता हूँ, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना, आप कोई से भी एक वो ले लेना नंबर, उसके बाद लिखना, ठीक है। देखिए मैं इसमें लेता हूँ 999 लिखना है हमको, ठीक है, तो पहले तो हमें 900 लिखना है, 900 क्या है सी एम। चलो पहले मैं तो तोड़ लेता हूँ, 900 हो गया प्लस 90 हो गया प्लस 9, ये ईजी पड़ेगा। तो 900 के लिए क्या है सी एम, और 90 के लिए क्या होता है भाई 100 से 10 कम, तो C से X, पहले तो X और C, ठीक है, ये 90 हो गया, और 9 के लिए ये रहा। बहुत सिंपल, मतलब अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो मैं बता रहा हूँ कि 1000 में तो कुछ नहीं गया, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए कुछ नंबर ले लेते हैं हम और उसको हम करके देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मैं नंबर लिख लेता हूँ कुछ 47 लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, और 75 लिख लेता हूँ, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मैं 125 लिख लेता हूँ, चलिए ये सही है। यहाँ मैं 580 लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं भी आपके साथ ही करूँगा, आप बताओगे मुझे क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। चलिए और यहाँ पे मैं 780 लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं 927 लिख लेता हूँ, है ना, बहुत इतने के लिए हम समझ जाएंगे। अगर हमने इतना कर लिया तो हमने समझ लीजिए मैं भी हमें आता है भाई, मैं खुद सीख रहा हूँ आपके संग, मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं तो आपके संग सीख रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा 927 कैसे होता है, मैं तो आपके संग करूँगा, ठीक है। चलिए तो पहले 40 को लिख करते हैं पहले, ठीक है, 40 के लिए क्या करेंगे पहले यहाँ पे मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ, तो पहले हम इसे तोड़ लेंगे 40 + 7, ठीक है। 40 को लिखते हैं हम किस प्रकार से, एल से 10 माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर 7 को लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जब आप इसे लिखना शुरू करो तो एक्स एल, आई होप मेरा सही होगा, एक बार प्लीज आप चेक कर लेना नेट पे, थोड़ा मेरा मैथ कमजोर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये है आपका 125, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा मैथ्स को, यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। चलिए 125 के लिए मैं करते हैं 125 हम स्प्लिट कर लेते हैं पहले इसको 100 + 20 + 5, ठीक है जी। तो 100 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम सी, 20 के लिए यूज़ करते हैं हम डबल एक्स, और 5 के लिए, अरे ये तो बड़ा सिंपल था, वाओ हैं, क्लैपिंग तो बनती है भाई, है नहीं है। चलो मैं इसको थोड़ा और साइड में कर लेता हूँ, अब आते हैं हमारा 75, ठीक है भाई, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिए, ठीक है ना। आप 70 के लिए हम क्या करेंगे, चलो बताओ आप बताओ क्या करेंगे, पहले इसको स्प्लिट करेंगे 70 + 5 में, ठीक है जी। 70 के लिखते हैं 50 + 20, तो 50 के लिए होता है L, और 20 के लिए होगा डबल X, है अरे वाह, और 5 के लिए भी, अरे लो हो भी गया, हम सोच रहे हैं हम तो अभी करेंगे और तो हो भी गया, अरे तो मज़ा आ रहा अभी करने में, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए 580 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं इस 580 को, चलिए तो प्लस स्प्लिट कर लेते हैं 500 + 80, वेरी गुड, 580 लिए हमें तो पता है डी है भाई इसके, तो और 80 के लिए क्या होता है भाई एल प्लस भाई 50 + 30, तो 50 के लिए हम एल यूज़ करते हैं, और 30 के लिए तो हम ट्रिपल एक्स यूज़ कर सकते हैं, अरे वाह वेरी गुड, ये भी हो गया हमारा भाई, वाह भाई भाई मज़ा आ रहा है नहीं है। चलो अब आके चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 780, मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप मेरे से पहले पहले कर रहे हैं तो आप इसका मतलब सीख गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 700 + 80 कर लेता हूँ, 280 हो गया, चलो कोई बात नहीं,
तो 700 लिए क्या करते हैं हम भाई, 700 में 500 प्लस 200 होगा, तो 500 के लिए हम यूज करते हैं डी, और 200 के लिए यूज करते हैं डबल सी, और 80 के लिए क्या करते हैं एल, और ट्रिपल एक्स, लो जी लो हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये हो गया। अब रह गया हमारा सॉरी थोड़ा 927, ठीक है चलो इसे करते हैं। तो 900 में क्या करेंगे, 900 प्लस 20 प्लस 7, 900 के लिए क्या है हमारा, अब 900 आगे तो हो, अभी तो हम 700 के लिए, 900 के लिए क्या है, हम 1000 में से 100 माइनस करेंगे, 1000 के लिए यूज करते हैं m, और m लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें c लिखना है क्योंकि 900, तो उसको m को ऐसा हटा के हम यहाँ लिखेंगे c m, और 927, 20 के लिए लिखेंगे डबल x, और 7 लिख लेंगे v डबल a, ये हो गया आपका। बोलता है मैं गलत हूँ तो भैया एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इस बात को आप थोड़ा देखना। देखिए अब आप नेट देखते होंगे, ठीक है, YouTube देखते होंगे, YouTube पर आप देखते होंगे कि कहीं आपको M लिखा आता है, कहीं K लिखा आता है, K का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा K का मतलब यहाँ पर जो है उन्होंने बताया है कि अभी तक तो हम K जो M जो था हम यूज़ कर रहे थे 1000 के लिए, लेकिन अब वहाँ पर क्या होता है, मान लो किसी की व्यूज़ हैं, है ना, वो सपोज करो 2000 व्यूज़ आ गए, है ना, 2000 व्यूज़, वहाँ पर 2000 नहीं लिखा रहेगा, 2000 नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर लिखा जाएगा 2K, ठीक है, क्योंकि K अब यूज़ होता है, के यूज होता है 1000 के लिए, ठीक है, 1000 के लिए, अगर 1K मतलब 1000, और जो M है वो किसके लिए यूज होता है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैंने 60 लगा दी तो ये हो जाता, हाँ ये कितना हो गया पता आपको, ये हो गया 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख का मतलब होता है 2 मिलियन, क्या होता है 2 मिलियन, ठीक है, क्योंकि 2 मिलियंस, क्योंकि M जो है M फॉर मिलियन, तो यहाँ पे M जो यूज़ हो रहा है वो मिलियन के लिए यूज़ हो रहा है, ना कि 1000 के लिए। तो वहाँ पे जो आप नेट पे देखोगे तो आजकल जो है K और M चेंज हो गया है, K के लिए जो K हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 1000 के लिए, और जो M यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मिलियन के लिए। मैं समझता हूँ कि ये नॉलेज आपके लिए एकदम न्यू होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको कुछ डाउट हो इससे लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।